Hello everyone, welcome on my YouTube channel Learn with Fun Biology. So hey Anthony Goswami, और आज हम फिर से Unacademy Life Quiz करने वाले हैं यहाँ पर. और Unacademy Life Quiz में क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ. बट जिनको आता है Unacademy Life Quiz को ज्वाइन करना, वो फटाफट से ये वाला कोड यूज़ करें 847440, और ये कोड सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और साथ में पढ़ाई करो, ठीक है. अच्छे फ्रेंड्स कौन होते हैं, जो अपने फ्रेंड्स को अच्छा रास्ता दिखाते हैं, ठीक है. सो अनअकैडमी पर पढ़ाई होती है, और अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड भी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करें, तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला कोड और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है. आज हम करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्विज. सबसे पहले सारे बच्चों को ऐड होने दो, अभी सिर्फ दो लोगों ने ज्वाइन किया है. सो आई जस्ट वांट कि सबसे पहले फटाफट से कुछ लोग ज्वाइन कर लें, एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन, ओके. सो जिसका जो भी कॉमेंट हो, जिसकी जो भी क्वेरी हो, वो मुझसे पूछ सकते हैं, ओके. फाइनली तीन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है. मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग फटाफट से ज्वाइन करें. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कि किस तरीके से इस अनअकैडमी को इसको ज्वाइन करना है, इसकी टाइमिंग क्या है, मेरी क्लासेस की टाइमिंग क्या है, वट एवर आई एम टेलिंग यू हेयर. सो फटाफट से सारे बच्चे पहले ज्वाइन कर लो, और जो भी यूट्यूब के थ्रू अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर ज्वाइन कर रहे हैं ये क्विज, वो मुझे बता दो, ठीक है. मुझे बताओ कि आप YouTube के थ्रू गए हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर. तो 5 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, एंड एक्चुअली आई एम हैप्पी बिकॉज आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम कि मैं 8 बजे कर रही हूँ और इतनी जल्दी 5 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है. हेलो आतिफ, हाउ आर यू? आतिफ, हैव यू ज्वाइन द अनअकैडमी लर्निंग क्विज और नॉट? देखो तुम लोग का नाम डिस्प्ले होता है YouTube चैनल पर. हेलो रुपेश, रुपेश फटाफट से जाओ और ज्वाइन करो ये अनअकैडमी क्विज. तुम सबका नाम देखो यहाँ पर डिस्प्ले होने वाला है मेरे यूट्यूब चैनल पर. तुम लोग की कैसी परफॉर्मेंस है ये भी यहाँ पर शो होगी, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करो जो कि बायोलॉजी. देखो अगर आप बायोलॉजी में नीट की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, इट्स ओके, ठीक है. नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो कोई भी नहीं, स्टिल आप ज्वाइन कर सकते हो. क्यों ज्वाइन कर सकते हो? फॉर गेटिंग सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजी. या मंजू, आई रिमेंबर यू. हेलो मिष्ठी, फटाफट से यार ज्वाइन करो. सिर्फ 5 बच्चे आज क्यों? आज तो हमारा तीसरा एंड शायद चौथा दिन है, तो फटाफट से यार यहाँ पर जितने बच्चे शो कर रहे हैं उनको कैसे करना है, उनको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रखी है फोन पे, नहीं करी है तो अभी कर लो. दीपक नहीं, अरुजा, अरुजा आपने मुझे बोला था कि आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्विज डाउनलोड करना है, तो उसके लिए ये वाला जो कोड है ये यूज करो फटाफट से. कितनी देर तक क्विज दे सकते हैं बेटा? जितनी देर तक का क्विज है, ये टोटल है 30 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, और 40 सेकेंड मैंने दिए एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए. इट्स ओके मंजू, आप डाउनलोड कर सकते हो फटाफट से. ज्वाइन इट फटाफट से. ओके हेजन वर्क, मैं टेलीग्राम पर आपका मैसेज भी देख लूंगी, बट अभी के लिए फटाफट से सारे बच्चे ज्वाइन कर लो, ठीक है. फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे. बहुत मजा उसको करने में, तुम लोग को भी एक बूस्ट मिलता है और एक मजा आता है कि हाँ तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी चल रही है. तो चलो फटाफट से ज्वाइन करते जाओ यार बच्चों, ज्वाइन करते जाओ. अभी 8 बच्चों ने ज्वाइन किया है. चलो मैं स्टार्ट कर दूं क्या सेशन? मैं सोच रही हूँ 1-2 बच्चे और ज्वाइन कर ले, एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन. और सारे बच्चे आंसर करेंगे क्योंकि तुम्हारा नाम यहाँ डिस्प्ले हो रहा है यूट्यूब पर. तो याद रखना, तुम लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं एक ये फीलिंग आनी चाहिए कि यू कैन डू इट. और तुम लोगों का जब रोज नाम अलग अलग शो होगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा. अच्छा बेटा, मैं आपका नाम अगेन भूल गई हूँ, कुछ शोएब करके ऐसे कुछ नाम था ना. ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, वहां पर जो लिखा हुआ है ना क्विज आईडी डालने के लिए, तो क्विज आईडी में ये वाला कोड यूज करना है 847440. वेरी गुड अरुजा, वेरी गुड. चलो और कोई है ज्वाइन करने वाला? मैं सोच रही हूँ एक बच्चा और ज्वाइन कर ले, देन आई विल स्टार्ट द सेशन. और सारे बच्चे थम्सअप करते रहना, और मैं तुम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवाती रहूंगी.
बेटा एक बार अपनी ऐप को अपडेट कर लो, हो सकता है उस वजह से आ रहा हो। आई एम वेटिंग फॉर अ वन स्टूडेंट, कौन है वो बच्चा जो कि अभी ज्वाइन करने वाला है। चलो फटाफट से ज्वाइन करो यार, फटाफट से ज्वाइन करो। हाँ बेटा मुझे सबका नाम याद रहता है, हु ऑल आर कॉन्स्टेंट विथ मी, मुझे उन बच्चों के नाम याद रहते हैं। ब्रजेश व्हाट हैपन, क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई, ज्वाइन नहीं हो रहा क्या। आतिफ हैव यू ज्वाइंट, चलो अभी स्टार्ट करती हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको ये ज्वाइन करने वाला नहीं आने वाला है। मैं स्टार्ट करती हूँ सेशन, कर दूँ। दो यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं बट जाके ज्वाइन ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्या बात हो गई है। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ओके ज्वाइन हो गया, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। एक और आ जाओ यार, मुझे अच्छा लगेगा 10 स्टूडेंट्स अगर एटलीस्ट हो गए। आदर्श हैव यू ज्वाइंड और नॉट, आदर्श फटाफट से ज्वाइन करो यार। अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, ये कोड यूज करो और ज्वाइन कर लो क्विज। चलो अभी कोई नहीं आने वाला है, मैं स्टार्ट करती हूँ, लेट्स गेट स्टार्ट। हाँ अपडेट है ऐप में, तो ऐप को अपडेट करो और बस शुरू हो जाओ। सो 4, 3, 2, 1 एंड फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो यहाँ यूट्यूब पर भी मुझे आंसर दे सकते हैं, यू फील वेरी वेल। चलो, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, मल्टीप्लाई करता है एंड कॉज देयर लाइसेस आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, लाइसोजाइन, लिपोलिटिक, लाइटिक या लाइसोजेनिक। आप लोग मुझे यहाँ पर भी आंसर दे सकते हो, YouTube पर भी आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन का, पर आपको ऐसे लिखना होगा वन और ऐसे करके, ठीक। और इसका कोड क्या है ये भी मैं बता देती हूँ, एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ। इसका कोड है 8474400। जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो बच्चे भी यहाँ पर ज्वाइन करते रहे, उसके लिए मैंने लिख दिया है। ओके सो आसिफ वेरी वेल, समीर, कीर्ति, दीपक, ब्रजेश, गोविंद एंड आयुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू किंगडम कॉन्स्टेंटली फिगर्ड इन ऑल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आर, कॉन्स्टेंटली फिगर्ड, चलो फटाफट से बताओ, चलो फटाफट से बताओ। पर भी आंसर कर सकते हो, क्या आंसर आएगा, प्लांटी एंड एनिमेलिया, मोनेरा एंड एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी, क्या आंसर आना चाहिए। तुम लोग मुझे यहाँ यूट्यूब पर भी बता सकते हो आसानी से, और अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ज्वाइन करना है तो यू कैन यूज दिस कोड, ये वाला कोड भी यूज कर सकते हो। सो राइट आंसर इज आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। आसिफ, समीर एंड कीर्ति परफॉर्म वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, आर की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे अलग है, चलो ये बताओ। ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये तो आंसर दे ही सकते हो आसानी से, तो बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने में। और जिन बच्चों को ज्वाइन करना है अभी अनअकैडमी क्विज लाइव क्विज, क्योंकि आपका नाम यहाँ यूट्यूब पर शो होने वाला है, इफ यू परफॉर्म वेल तो आपको कोड यूज करना है 8404400, 8404700, दिस इज द कोड। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। सो राइट आंसर इज द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, वेरी गुड आसिफ, समीर, कीर्ति, कॉन्स्टेंटली ये अच्छा आंसर कर रहे हैं, इसीलिए कॉन्स्टेंटली बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया लाइज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ, मैं डेली एट 8 PM पर अनअकैडमी लाइव क्विज लेती हूँ, सो आप लोग डेली अटेंड कर सकते हैं, और चैप्टर वाइज क्विज लेती हूँ, ठीक है। और 3 PM पर मैं क्लास करवाती हूँ, तो कल की क्लास का जो लिंक है, एनरोल का जो लिंक है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, यूट्यूब की वीडियो में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जो कमेंट करते हैं, ठीक है, आप अगर कमेंट सेक्शन में जाओगे तो कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वेरी सबका आंसर ठीक, अमेजिंग।
फटाफट से आंसर करो. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. कौन से इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब उनको सेल के अंदर ही जबरदस्ती रहना ही रहना है, वो उस सेल के बिना रह ही नहीं सकते. कौन है ऐसे? बैक्टीरिया, वायरस, स्लाइम वर्म और ब्लू ग्रीन एग. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तभी आप यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हो. सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज द वायरसेस. समीर, आसिफ, कीर्ति, परफॉर्म वेरी वेल. अगर आप चाहते हो कि आपका नाम भी इस तरीके से आए तो आप भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इस क्विज को ज्वाइन कर सकते हो. अ सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड इज फाउंड इन. सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड किस में मिलता है? सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड, ई कोलाई. बच्चों क्या आंसर आएगा? आज कोई यूट्यूब पे आंसर नहीं दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग इन द यूट्यूब चैनल. अगर आपने लेट ज्वाइन किया है आप फिर भी यहाँ पर आंसर कर सकते हो. ओके, ओनली 14% बच्चों का आंसर ठीक है. सो समीर, आसिफ, कीर्ति, गोविंद, आयुष, दीपक एंड ब्रजेश. नेक्स्ट, द टाइप ऑफ सिनगैमी इन ट्रिकैनोफ्मा इज. व्हाट इज द राइट आंसर? सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर इट? Tell me as soon as possible. So, writer is the hologamy. आई थिंक अभी भी किसी का आंसर, अच्छा आसिफ का ठीक था, समीर और कीर्ति का भी ठीक था. टॉप थ्री बच्चे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय. अल्फा टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या निमेटोड्स. बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या निमेटोड्स. मैं डेली चैप्टर वाइज क्विज करवाने वाली हूँ तो डेली 8 PM पर आकर यहाँ पर कोड ले सकते हो. और कोड लेने के बाद आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, मतलब डाउनलोड तो हो गया आई थिंक तुम लोगों के फोन में, तो यहां पर क्विज अटेंड कर सकते हो. अल्फा टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय. जिसको कोड जानना हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है. डेफिनेटली आई विल गिव यू. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर ज्वाइन करेंगे तो तुम ही लोगों का फायदा है. सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ट्रिपैनोसोमा. ट्रिपैनोसोमा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सेकेंड चैप्टर का एक बार रिविजन भी कर लोगे तो इसका आंसर बहुत ईजिली दे सकते हो. सेप्रोजोइक, पैरासिटिक, ऑटोट्रॉफिक और फोटोट्रॉफिक. विच वन इज द राइट आंसर? याद करो, सेप्रोजोइक क्या होते हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, फोटोट्रॉफिक क्या होते हैं. अब ये सोचना तो तुम ही लोगों को है, राइट आंसर लगाना है. सो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ सेवरल बैक्टीरिया इज. बैक्टीरियाज की सबसे ज्यादा यूजफुल एक्टिविटी क्या है? सबसे ज्यादा यूजफुल,
सोचो, नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या, नाइट्रिफिकेशन है, ऑपरेशन ऑफ बायोजियल केमिकल साइकिल्स है, या ऑल ऑफ द अबव? विच वन इज द राइट आंसर फॉर इट? कल मेरी 3 बजे अनअकैडमी पर क्लास है, तो 3 PM पर ज्वाइन कर लेना. सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. आसिफ, समीर, कीर्ति परफॉर्म वेरी वेल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलर सेक फंगस? किस कौन सी सेक फंजाई है इसमें से? क्लेविसेप्स, सेकेरोमाइसिस, पेनिसिलियम और न्यूरोस्पोरा. हम किसको सेक फंजाई बोलते हैं? चलो बता दे रही हूँ, एस्कोमाइसिटीज को बोलते हैं. अब तुम बता दो इसमें से कौन सा एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है. क्लेविसेप्स, सेकेरोमाइसिस, पेनिसिलियम एंड न्यूरोस्पोरा. वेरी गुड दीपक. स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट आर प्रेजेंट इन. हेट्रोसिस्ट किस में प्रेजेंट है? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, एनी वन कैन गिव दिस आंसर, बहुत इजी है. डायनोफ्लैजेलेट, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स या साइनोबैक्टीरिया. विच वन इज द राइट आंसर? सो टाइम खत्म और राइट आंसर इज दी क्राइसोफाइट्स. बेटा क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं क्या इंद्रप्रीत? ये वैसे क्वेश्चंस जो आपके चल रहे हैं वो चल रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर. अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहां पर आपको जाकर बस ये कोड यूज करना होता है 8 4 7 4 4 0. तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ पर मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको पता भी चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कितनी जल्दी आंसर कर रहे हो. ठीक है इंद्रप्रीत, डू यू हैव अन अकेडमी लर्निंग ऐप? इफ यू हैव अन अकेडमी लर्निंग ऐप, वहां पर जाओ, वहां पर तुमको दिखेगा प्लस सेक्शन. उस प्लस सेक्शन में जाना, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, इसमें कोई रुपए नहीं है, बिल्कुल फ्री है. प्लस पर जाना है, वहां पर क्लिक करना है ऑन ज्वाइन टेस्ट. ज्वाइन टेस्ट में डाल जाके ये कोड यूज करना है 8 4 7 4 4 0. फटाफट से जस्ट गो एंड डू इट. हाँ इंद्रप्रीत, यू कैन डाउनलोड इट नाउ. फटाफट डाउनलोड करो एंड देन यूज दिस कोड. एट फोर सेवन फोर फोर जीरो, 8 4 7 4 4 0 जीरो. मैं डेली 8 PM पर एक क्विज लेती हूँ, तो जितने भी बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, हु ऑल आर सेंसिटिव फॉर प्रिपेयरिंग नीट एग्जाम. और बायोलॉजी में अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, सो डेफिनेटली यू डू इट. वेरी गुड अरुजा, यू आर डूइंग ग्रेट. मतलब अरुजा नहीं, दीपक है. मैं चाहती हूँ कि आप बेटा नाम भी अपना रख लो, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा. इस क्वेश्चन आता है व्हाट आर एपिसोम्स, व्हाट इज एपिसोम्स, क्या होते हैं एपिसोम्स? यू कैन गिव राइट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो. नो
नो वन गिव द राइट आंसर, वन गिव द राइट आंसर. दिव्यांशु ज्वाइन. इट्स ओके दिव्यांशु, कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत हो गया, जीरो है, कोई बात नहीं. नेक्स्ट, परफॉर्म वेल, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट. याद रखना, रॉन्ग स्टेटमेंट को पिकअप करना है तुम्हें इसमें. पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट. प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन. सम फंजाई आर एडिबल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द मोनरा. सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमेलिया. तो क्या ये बात ठीक है? यार ये बात तो ठीक है, मैंने हेल्प कर दी, एक एक पॉइंट वाली हेल्प कर दी कि हाँ सेल वॉल तो एब्सेंट होती है एनिमेलिया में, ये बात तो बिल्कुल ठीक है. एक और बता रही हूँ, फंजाई एडिबल हैं, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं आने हैं तुम्हें, तो इसमें या फिर इसमें करना है क्या राइट आंसर होगा. एंड जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्विज डाउनलोड करना चाहते हैं, क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन यूज दिस कोड 847440. दिव्यांशु इट्स ओके इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, आपको बस परफॉर्म करते रहना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट, अ सिस्टम ऑफ अ क्लासिफिकेशन विद अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर्ड इन. लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स हम किस में कंसीडर्ड करते हैं? ओके फहाद, फहाद अगर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो क्वेश्चन नंबर है वो आप शो करना कि कौन से क्वेश्चन नंबर का आंसर कर रहे हो. लाइक 18 लिख देना वहाँ पर कि मैं 18 क्वेश्चन नंबर का आंसर दे रहा हूँ. यहाँ पर लिखा है द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्प टू ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क. दही बनाने के लिए हम एंड एंटीबायोटिक्स का यूज करने के लिए हम जिनका यूज करते हैं वो इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं? दे आर साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक. फहद अब क्वेश्चन नंबर 18 का डी, वेरी गुड, फहद ने बोला 18 का डी, चलो देखते हैं इसका आंसर ठीक है या गलत है. इस तरीके से ही आगे आंसर देना, जैसे 19 का लिखना, उसके बाद 20 का लिखना, उसके बाद, ठीक है? सो वेरी गुड फहद, वेरी गुड आतिफ, हेटरोट्रॉफिक, वेरी गुड. तो सब लोग जाके ज्वाइन भी कर सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा अगर ज्वाइन करोगे तो, क्योंकि वहाँ पर तुम लोगों को हमारी रैंक पता चलेगी. नेक्स्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय अ स्पीसीज ऑफ. यहाँ पर आपको लिखना है 19 के आगे लिख देना कि क्या आंसर देना चाह रहे हो, 19 लिख के फिर उसके आगे ऑप्शन देना, ठीक है? फटाफट से पढ़ो, और कोई डरने की बात नहीं, गलत होता है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, आंसर तो दिया. बहुत सारे बच्चे तो चुप बैठे रहते हैं, आंसर ही नहीं करते हैं, तो यू हैव टू गिव आंसर, गलत हो चाहे ठीक हो, इट डजेंट मैटर. ओके, फहद ने बोला 19 का ए, बोल रहा है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय द जेंथोमोनास, फहद ने बोला, चलो हम चेक करते हैं. सो वेरी गुड फहद, यू डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोफोर या बैक्टीरियल जीनोम इज मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं? जीनोम या जीनोफोर या फिर बैक्टीरियल जीनोम, आगे लिख देना है 2020 के आगे लिखना है कि कौन से क्वेश्चन का उसका ऑप्शन कौन सा राइट लग रहा है तुम्हें. ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मलेरिया फीवर को को कोइंसाइड्स विद द लिबरेशन ऑफ, किसके लिबरेशन से होता है?
फहाद बेटा आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, यू कैन गिव राइट आंसर। 21 के आगे लिख दो कि क्या आंसर तुम देना चाहते हो। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे फहाद। वेरी गुड कीर्ति, आसिफ, गोविंद, समीर, दीपक, ब्रजेश, आयुष। अमीवा टेकन डाउन स्ट्रीम टू इश्चरी विल शो। यूज दिस कोड टू ज्वाइन अन अकेडमी लर्निंग एप क्विज। अदरवाइज अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस कोड GINI14 GINI14 फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड फॉर ज्वाइनिंग क्विज। अभी के लिए आपको ये वाला कोड यूज करना है, ठीक है। रोज ये कोड चेंज होता है, ये सेम कोड नहीं रहता है। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया आर कंसीडर्ड मोनेरास बिकॉज दे, क्यों हम उनको मोनेरास बोलते हैं, क्यों कहा जाता है ऐसा? क्या उनके पास वो ग्रीन होते हैं इन कलर इसलिए बोलते हैं, या फिर उनकी सेल वॉल रिजिड होती हैं, या फिर उनके न्यूक्लियस नहीं होता, या फिर उनके पास स्टोमेटा होता है इसलिए बोलते हैं? क्या इसका राइट आंसर है? सोचो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फहाद ने बोला है 23 का सी बिकॉज ऑफ हैव नो न्यूक्लियस। ओके फहाद, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है आप स्टिल क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो यार, एटलीस्ट ट्राई तो करो। और वेरी गुड, अभी तक तुमने 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर दिया और बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल ठीक आंसर करते हो। नेक्स्ट, LSD लाइसोजेनिक एसिड डाई इथालमाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इसको हम किससे प्रिपेयर करते हैं? क्वेश्चन नंबर 24। यूट्यूब पे जो बच्चे हैं वो भी इसका आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप का क्विज डाउनलोड करना ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए वाला कोड यूज करो। और दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कल मेरी जो क्लास है 3 PM पर, ध्यानी हॉर्मोन डेफिनेटली यार, फिजिक्स वाला सर इज द अमेजिंग अमेजिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। उनके बारे में और क्या ही कहा जा सकता है, ही इज़ द अमेजिंग एंड डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ। सीरियसली ऐसे टीचर्स होने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑलवेज उनकी हेल्प के लिए तैयार हों, और उनका जो भी चल रहा है जो ऐप वगैरह उन्होंने बनाई है दैट्स ग्रेट। वेरी गुड आसिफ, कीर्ति, समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइसीलियम इज द नेम गिवन टू द प्लांट बॉडी ऑफ। माइसीलियम याद करो, माइसीलियम हाइफी किस में पड़ा था? माइसीलियम और हाइफी। 25 का, ओके वेरी गुड। फहाद ने बोला है 25 का बी, और जो बच्चे हैं वो भी इसका आंसर दे सकते हैं। माइसीलियम इज द नेम गिवन टू द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, विच वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? वेरी गुड, 88% बच्चों का आंसर ठीक है। आसिफ, कीर्ति, समीर, गोविंद, दीपक, ब्रजेश, शिवानी, आयुष, दिव्यांशु। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप ऑफ, ये आपकी NCERT में लिखा हुआ है। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी हमें किस में देखने को मिलती है? फहाद आप अच्छा आंसर कर रहे हो, फटाफट से आंसर करो क्वेश्चन नंबर 6 का। और जब भी आप अनअकैडमी लर्निंग क्विज डाउनलोड करते हो या फिर अगर आप अनअकैडमी लर्निंग क्विज जो है वो लाइव क्विज को ज्वाइन कर रहे हो तो एटलीस्ट ट्राई करो कि कम से कम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। ओके फहाद ने बोला है 26 का सी। ओके
सो 26 का सी, वेरी गुड, 63% बच्चों का आंसर ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशलाइज सेल्स फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन नॉन स्टॉक आर, क्या प्रेजेंट होते हैं? एकेनाइड्स, हेट्रोसिस्ट, हॉर्मोगोनिया या नोड्यूल्स, विच वन इज द राइट आंसर? 27 का फहद बोल रहा है बी, चलो देखते हैं 15 सेकंड में और भी बच्चे आंसर कर सकते हैं, फटाफट से आंसर करने की कोशिश करो, तुम लोगों की एक्यूरेसी बहुत अच्छे से इंक्रीज होगी अगर तुम इस तरीके से परफॉर्म करोगे तो। मैं 30 क्वेश्चन करवाती हूँ चैप्टर वाइज डेली एट 8 PM। सो राइट आंसर इज द हेट्रोसिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड आर एच विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, किस पर बेस नहीं था? नॉट बेस्ड बताना है आपको, 28 का। ओके, फायद ने आंसर दिया है 28 का ए। लेट्स चेक कि क्या इसका आंसर आने वाला है। फहद, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि कल से आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, और जब मैं 8 बजे ये क्विज करवाऊँ तो आप सीधे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर इस क्विज को अटेंड करो। ओके, वैसे मैं 3 PM पर भी क्लास लेती हूँ, तो 3 PM वाली क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो सारे बच्चे। मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्लास का लिंक दिया हुआ है, तो एनरोल भी करवा सकते हो। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाई द मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनेसली इन, एक्सोजेनेसली, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करना है अभी आपको, क्वेश्चन नंबर 29। फहद ने बोला 29 का सी, अगैरिकस। फहद के अकॉर्डिंग अगैरिकस जो है वो एक्सोजेनसली स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। सो लेट कैट की आंसर ठीक है फहद का या नहीं, 29 का सी, वेरी गुड, यू परफॉर्म वेरी 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 वेल। आई थिंक फहद आज का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा होगा, यही वजह है, मैं इसीलिए बोलती हूँ कि रोज क्विज ज्वाइन करो। यहाँ पर लास्ट है क्वेश्चन, वायरसेस यूजली इन्फेक्ट द होल प्लांट एक्सेप्ट, वायरसेस जो हैं वो यूजली पूरे प्लांट को इन्फेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट क्या नहीं कर पाते हैं वो इन्फेक्ट? स्टेम या कॉर्टेक्स या पिथ या फिर फ्लोएम? यू हैव टोटल 20 सेकेंड, यू हैव टू गिव आंसर। फहद, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सो राइट आंसर इज द स्टेम अपेक्स। सो ये थे हमारे बच्चे, आसिफ, कीर्ति, समीर, हेलो बलराम, गोविंद, दीपक, व्रजेश, शिवानी, दिव्यांशु एंड आयुष। सो वेरी गुड, आई जस्ट वॉन्ट तुम लोग ऐसे ज्वाइन करो, कल भी 8 PM पर क्विज रहेगा, तो कल भी 8 PM पर क्विज को ज़रूर ज्वाइन करना। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट। हाँ, प्लस से लेना है, बट अभी तो क्विज खत्म हो चुका है, तो कल 8 PM पर आप क्लास ज्वाइन करना यूट्यूब पर। ओके, थैंक यू सो मच। नो, ऑल चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए, अभी हम थर्ड सेकंड चैप्टर पे पहुंचे हैं, कल थर्ड चैप्टर का क्विज होने वाला है, ठीक है? तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी तुम लोग बता सकते हो, ठीक है? चलो अभी बाय बाय, टेक केयर।